मोदी जी ने आज उस चुराई हुई सरकार के मंच पे कांग्रेस को जितनी बार कोसने की कोशिश की, एक बार वो मामा जी जो कंस मामा वहां बैठे अरे छोड़ 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 हम ये कह रहे हैं, पहले बात सुनिए, हम ये कह रहे हैं। लेकिन एक विपक्ष का क्या संस्कार होना चाहिए कि अगर बात राजनीति की हो, बात देश की हो, तो राजनीतिक विरोध करते करते देश को गाली दे देंगे। SC ST की राजनीति हो गई, पेट भर गया। आइए अल्पसंख्यकों की राजनीति करते हैं, वहां से भी पेट भर गया। आइए भारत को और जोड़ते हैं, अब OBC की राजनीति। SC ST में आ जाइए, मायावती, जीतन राम मांझी जी, क्या कर लिए ये लोग? ये लोग सिर्फ जात के नाम पे हम लोगों को गुमराह करते हैं ताकि इनकी अपनी संपदा बढ़े, अपना परिवार। जय श्री राम दोस्तों, तो आ गया हूँ फिर एक नई डिबेट लेके आके समक्ष। लेकिन आज की डिबेट TV स्टूडियो के अंदर नहीं है, आज की ओपन डिबेट है। और ये डिबेट भैया जी कहीं की है, जो कि कनॉट प्लेस में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें प्रतीक त्रिवेदी जी इसके एंकर है, आपको पता ही होगा, काफी फेमस डिबेट है भैया जी कहीं की। तो यही एक डिबेट है और इसमें पब्लिक रहती है जो कि अपने अपने व्यूज देती रहती है। तो इसी डिबेट के अंदर एक कांग्रेस के, आप उनको कह सकते हैं प्रवक्ता, जो कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, वो थे। और डिबेट चल रही थी मध्य प्रदेश के ऊपर, तो उन्होंने मध्य प्रदेश के ऊपर बात करते करते लास्ट में शिवराज सिंह चौहान, जैसे कि आप जानते हैं शिवराज सिंह चौहान जो वहाँ के मुख्यमंत्री, उनको मामा जी के नाम से फेमस है, तो उन्होंने बातों बातों में कंस मामा कह दिया। कंस मामा कहना था कि वहीं भीड़ में खड़े बाबा थे, वो बाबा बिफर गए। पब्लिक भी बोलने लगी, भाई आपने शब्द, और जो एंकर थे उन्होंने भी कहा कि आपने इस तरीके के शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए था। और फिर क्या था, पब्लिक ने जम के धोया कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, और कांग्रेस के जो पक्षधर थे उनको जबरदस्त धोया। तो देखते हैं, बड़ा बच्चा जनाब, मतलब आप बहुत चुप चाप, आपको देख रहा, आपको सुन रहा हूँ। अरे ज्यादा सुनावना ना करो भाई यार। हाँ, मैं आया कांग्रेस। देखिए, G20 का भी एक शगुफा है, मैं इनको याद दिला देता हूँ, क्योंकि बाकियों को बताना तो थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि मोदी जी के घर से अगर बाहर निकलें और 300 मीटर पर आपको अशोका होटल दिखे, तो अशोका होटल का इतिहास पता कर लीजिएगा। 1960 में वो जो नॉन अलाइनमेंट देश थे, जिनके एक छत्र नेता हमारे नेहरू जी थे, उन्होंने उन्हीं को होस्ट किया था। और यहाँ तो 20 देशों की बात थी, वहाँ 67 देशों के लोग आए, हमारी सभ्यता को उन्होंने समझा, और पूरे विश्व का एक छत्र नेता उन्होंने माना, तो नेहरू जी को माना और उनकी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को माना। दूसरी बात, मेरे भाई जो कह रहे थे, मैं बार बार आप लोगों को कहूंगा, आप लोग इनसे हिसाब पूछिए। मोदी जी ने आज उस चुराई हुई सरकार के मंच पे कांग्रेस को जितनी बार कोसने की कोशिश की, एक बार वो मामा जी जो कंस मामा वहां बैठे, अरे रुकिए बाबू जी, बाबा, अरे नहीं 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 नहीं, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। आप नेता हो ना, मोदी का जो कहना, अरे 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 छोड़ 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 बाबा, हम ये कह रहे हैं, पहले बात सुनिए, हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि नेता है ना तो सबके लिए होता है। हाँ। साधु हमें सबके लिए हैं। हाँ। आप सबके लिए हैं, बिल्कुल। ये लोग अपना पैर काट रहा है, कांग्रेस वाले लोग, इन लोगों का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। ये लोग अपना पैर काट रहा है। कैसे? गलत गलत बात कह कर, नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। अगर कोई कह रहा है तो मामा तक ठीक था। हाँ। वैसे ही मामा और भांजे में छत्तीस, मामा चांदा मामा है हमारा, चांदा मामा है, हम उसको मामा कहते हैं। तो ये तो मनुष्य में तो नाता है ही। हाँ। लेकिन हम ग्रह को भी मामा कहते हैं। हाँ हाँ। आइए कहते हैं, कौन? ये ठीक नहीं, आप बैठो यहाँ, अभी हम सही करते हैं इनको, बैठो आप यहाँ बैठो। साधु की तो इन्होंने क्वालिटी दर्शा दी, उनके भावनाओं को समझाई, लेकिन एक एक पॉलिटिशियन का, बैठो बाबू जी, आ जाओ बाबू, महात्मा खड़े जाओ, खड़े आराम से, महात्मा जी का आराम से, ये बोलेंगे। ये तो बेचारे बुजुर्ग हैं, पिता तुल्य हैं, इनकी तो इन्होंने बता दी संस्कार, लेकिन एक विपक्ष का क्या संस्कार होना चाहिए कि अगर बात राजनीति की हो, बात देश की हो, तो राजनीतिक विरोध करते करते देश को गाली दे देंगे। ये क्या एक विपक्ष की संस्कार होनी चाहिए? साधु को संस्कार सिखाते हैं, लेकिन अपने आचरण में कभी ये नहीं पूछते कि हम जिससे गठबंधन करते हैं वो जनता को राक्षस करते जी। नहीं, नहीं, हाँ, सॉरी स्वाति। SC ST की राजनीति हो गई,
पेट भर गया, आइए अल्पसंख्यकों की राजनीति करते हैं, वहां से भी पेट भर गया, आइए भारत को और जोड़ते हैं, अब ओबीसी की राजनीति करते हैं। 2011 जाति जनगणना आपने कराया था, उसको पूरे दुनिया के सामने आपने क्यों नहीं लाया? आज आप ओबीसी की बात करते हो और सेक्रेटरी की बात करते हैं। सेक्रेटरी का चुनाव कैसे होता प्रतीक जी? यूपीएससी का है। क्या यूपीएससी में आरक्षण नहीं है? है तो अब आपको हर एक कदम पर आरक्षण चाहिए, जैसा नीति जी ने कहा, योग्यता के दम पर नहीं चलेगा। आरक्षण विरोधी चेहरा, आपके कुछ भी कह देने से कुछ भी नहीं होगा। आप पहले मुझे ये बताइए, 2011 में जो जनगणना आपने कराई थी, जो तथाकथित रूप से चोरी भी हो गई है, और उसके आंकड़ों को खोलने का और खंगालने का काम और दावा माननीय हमारे राहुल गांधी जी अभी 3 दिन पहले कर रहे थे, वो चोरी हुआ डाटा उनके पास कहां से आया? और आपने उस समय तक जाति एक मिनट को, बाबा जी डंडा जरूर है, डंडा इस्तेमाल नहीं होगा, बिल्कुल भी वैसे ही रहेगा। जी जी रुंझुन 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 सर देखिए, यहाँ गारंटी और जातिवाद की बात हो रही है। जातिवाद तो चुनाव है तो सब होगा, और डर रहे हो तो किनारे बैठ जाओ। नहीं नहीं वही बात है कि हम लोगों को समझना पड़ेगा कि राजनीतिक पार्टियां कर क्या रही है। जातिवादी आरक्षण जो है ना, ये एक सांप की तरह है जो अपना अंडा खुद निगल जाता है। इस देश में जाति नहीं है, जाति दो ही है सर, एक अमीरी और एक गरीबी। आज राजनीति है तो राहुल गांधी कुली के बीच जाकर के सूटकेस उठा लेते हैं, आज चुनाव है तो खाना खाने बैठ जाते हैं। चुनाव खत्म होते ही अगर एक गरीब जाकर के किसी मिनिस्टर के यहाँ जाए तो मिलने के लिए तैयार नहीं होता है, ये असलियत है। ये जातिवादी ओबीसी करते हैं, ओबीसी बता रहा हूँ ना, ओबीसी चाहे नीतीश जी हो, मुलायम जी हो, लालू जी हो, या खुद प्रधानमंत्री जी हैं, ओबीसी समाज से आते हैं इस देश में। बताइए कि ओबीसी ही सुखी हो? ओबीसी के अंदर जाकर के देखिए कि ओबीसी लोग कितने दुखी हैं। एससी एसटी में आ जाइए, मायावती, जीतन राम मांझी जी, क्या कर लिए ये लोग? ये लोग सिर्फ जात के नाम पे हम लोगों को गुमराह करते हैं ताकि इनकी अपनी संपदा बढ़े, अपना परिवार। सवाल ये है, ठीक है, कि सच क्या है? हाशिए पे जो बैठे लोग हैं उनको आगे लाने के लिए क्या करना चाहिए? त्याग कौन करेगा? तो देखिए आपने डिबेट किस तरीके से बाबा कंट्रोल से बाहर हो गए थे, और पब्लिक ने फिर किस तरीके से धोया कांग्रेस को। तो इसी के साथ ही आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।